हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स एंड जेरियाट्रिक सिंड्रोम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेरियाट्रिक वर्ड का क्या मतलब होता है, तो जेरियाट्रिक वर्ड मींस ओल्ड एज पीपल्स। ठीक है, जो अबाउ 60 या फिर अबाउ 70 जो लोग होते हैं जिनकी केयर की जाती है, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे जेरियाट्रिक। ठीक है, जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स मींस कि ओल्ड एज पीपल्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या काफ़ी सारी क्लिनिकल कंडीशंस, एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप होने लग जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें और थोड़ा डिफाइन करेंगे इसको, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है एक हेल्दी इंडिविजुअल्स की, तो उसके साथ में ही डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स बॉडी में डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, जैसे कोई यंग एज पीपल्स होता है, कोई यंग एज इंडिविजुअल होता है, धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती है, एल्डरली हो जाता है वो, तो उसकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती है। ठीक है, और ऐसी अगर हम बात करें जेरियाट्रिक सिंड्रोम्स की, जेरियाट्रिक डिजीजेस की, ठीक है, ओल्ड एज पीपल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जनरली देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली कुछ ऐसे सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें, उसको हम डिफाइन करें, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका केवल एक कोज होता है, ठीक है, और उस कोज की वजह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एबनॉर्मल कंडीशन या प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, डॉक्टर्स कॉल्ड जेरियाट्रिशियंस, ऐसे लोग जो हु हैव एडवांस ट्रेनिंग इन द केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स जिनको कि एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है इन द केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, जेरियाट्रिशियंस। ठीक है, एंड अदर जेरियाट्रिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डायग्नोजिंग एंड मैनेजिंग दीज सिंड्रोम्स। तो जेरियाट्रिशियंस और अदर जो जेरियाट्रिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, वो क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डायग्नोज करने में एंड मैनेजिंग दीज सिंड्रोम्स। ऐसे सिंड्रोम्स को या ऐसी प्रॉब्लम्स को, जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने में, उसको डिटेक्ट करने में और उनको ट्रीट करने में कौन करते हैं, डॉक्टर, जिनको बोलते हैं जेरियाट्रिशियंस, और अदर जेरियाट्रिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब ऐसी जो कंडीशंस हैं उनके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है दैट कैन हेल्प योर मेंटेन योर इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स, काफ़ी सारे रिहेबिलिटेशन मौजूद है जिनकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ जेरियाट्रिक, कुछ स्पेसिफिक जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है ऐसे जेरियाट्रिक सिंड्रोम्स की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स। ठीक है, काफ़ी आपने देखा होगा जैसे ओल्ड एज पीपल्स के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, मतलब कि वो अपना ब्लैडर, अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या होने लग जाता है, यूरिन लीक होने लग जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो इस तरीके से अगर ये कोई कंडीशन डेवलप होती है जिसकी वजह से क्या होता है, और भी काफ़ी सारी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, जैसे ओल्ड एज पीपल्स में अगर कोई यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, जैसे फॉल्स जो ओल्ड एज पर्सन है वो गिर सकता है, डिप्रेशन की कंडीशन में आ सकता है एंड आइसोलेशन में रखा जा सकता है उसको। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन, ऐसे कोई जेरियाट्रिक सिंड्रोम्स अगर दिखाई देते हैं, तो व्हाट शुड यू डू, अगर आप इसके लिए, इसकी ट्रीटमेंट, इसको मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे बात करें ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स के लिए बात करें, तो इन मोस्ट केसेस इनकॉन्टिनेंस कैन बी क्योर्ड और ग्रेटली इम्प्रूव्ड विथ
ट्रीटमेंट। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो इनकॉन्टिनेंस है उसको क्योर किया जाता है, क्योर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है विद द ट्रीटमेंट। काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल्स है जिसकी वजह से जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, चाहे यंग एज पीपल्स में हो किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ओल्ड एज पीपल में हो किसी डिजीज़ या फिर जनरली, तो इस कंडीशन को क्योर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है विद द ट्रीटमेंट। सो डोंट हेजिटेट टू टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर इस तरीके कोई कंडीशन आपको डेवलप हो रही है बॉडी में, या फिर ओल्ड एज पीपल्स में इस तरीके कंडीशन दिखाई दे रही है, तो हेजिटेशन नहीं लेनी है, डायरेक्टली किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या डॉक्टर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है ताकि जल्दी जल्दी इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सके। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ सेकेंड मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम्स है, स्लीप प्रॉब्लम्स। तो ओल्ड एज पीपल्स के अंदर जैसे स्लीप प्रॉब्लम्स भी काफ़ी देखने को मिलती है, तो ऐसी जो अगर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है या नींद नहीं आती जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट हो सकती है, और जिसकी वजह से अगर नींद नहीं आती जिसकी वजह से कोई इंजुरीज की कंडीशन, कोई पर्सन गिर सकता है, ठीक है, इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है कि परेशानी हो रही है नाइट में स्लीप करने में, और अगर दिन के अंदर स्लीपी हो रहा है अगर कोई पर्सन, तो डायरेक्टली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए जिसकी वजह से जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जा सके। डेलीरियम बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ये भी ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलती है। डेलीरियम के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे ओल्डर एडल्ट्स या ओल्डर पर्सन्स होते हैं जिनके की सडन कन्फ्यूजन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है, जैसे कोई अगर कोई उनके इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है तो उनको इमरजेंसी में ले जाया जाता है, हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, वहाँ पर एडमिट किया जाता है, तो क्या होता है उनके माइंड में सडनली कन्फ्यूजन डेवलप होने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते वो, ठीक है, आगे चल कर डेलीरियम वाली कंडीशन डिमेंशिया, ठीक है, इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये भी काफ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ओल्ड एज पीपल्स में देखने को मिलती है। डेलीरियम क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है सिमिलर टू चेस्ट पेन, सडनली कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके की कोई कंडीशंस हो आपके फ्रेंड्स में फैमिली में, अगर इस तरीके कोई साइन दिखाई दे रहे हैं तो डायरेक्टली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए राइट अवर द फर्स्ट साइन। अगर कोई पहला साइन दिखाई देता है एनी सडन चेंजेस इन मेंटल फंक्शन, अगर कोई मेंटली फंक्शनिंग में अगर कोई ओल्ड एज पीपल्स में इस तरह का साइन दिखाई देता है तो उसको डायग्नोज करना है और इमीडिएटली जल्दी जल्दी उसको इन्फॉर्म करना ताकि इस तरह की कंडीशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन आगे चलकर डेवलप नहीं हो। अब बात करते हैं डिमेंशिया की। डिमेंशिया भी अब काफ़ी मोस्ट इस तरह की कंडीशन है जो ओल्ड एज पीपल्स में दिखाई देती है। डिमेंशिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं हम, धीरे धीरे जो ओल्ड एज पर्सन की जो मेमोरी है, सोचने की शक्ति है उनकी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। एक मेमोरी प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंट इनफ टू अफेक्ट योर एबिलिटी टू कैरी आउट योर यूजुअल टास्क, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज पर्सन है अपनी डेली रूटीन की जो डेली लाइफस्टाइल है वो भूलने लग जाता है। और काफ़ी सारे अदर कोज भी है जैसे अल्जाइमर डिजीज़, इसके अलग अलग टाइप्स है, वो आगे चलकर डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज पीपल्स के अंदर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो दिखाई देने लग जाती है। अगर इस तरीके कोई कंडीशन डेवलप हो रही है या इस तरह के कोई साइन दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना है, डायरेक्टली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है। तो जो भी अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो भी मैनेजमेंट अवेलेबल है जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके, ठीक है, और मेंटली जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब फॉल्स की बात करें तो फॉल्स भी एक तरह की डिजीज़ नहीं बोल सकते हम, एक तरह की ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है बॉडी पे, ठीक है, जैसे कोई लीडिंग कॉज ऑफ सीरियस इंजुरी इन ओल्डर पीपल्स। फॉल्स मीन जितनी भी जैसे प्रॉब्लम्स बताई गई तो इनकी वजह से फॉल्स डेवलप हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन है जिसको कि क्या
स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी वॉकिंग में परेशानी, और उसको विजन प्रॉब्लम डेवलप होने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है, कैटारैक्ट डेवलप होने लग जाता है, डिजीनेस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, वीकनेस होने लग जाती है, माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन उसकी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं हो पाती है, तो वो क्या करता है, फॉलिंग गिर सकता है किसी भी जगह, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये भी एक तरह की कॉमन जेरियाटिक कंडीशन है जो डायरेक्टली जो ओल्ड एज पर्सन है इसका अफेक्ट पड़ता है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। अगर कोई इंजुरी हो रखी है या इस तरह की कोई कंडीशन है, कोई एक्सीडेंट्स हो रखा हो, तो ट्रीटमेंट्स के ज़रिए, फिजिकल थेरेपी के ज़रिए उसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि फॉल्स की कंडीशन डेवलप नहीं हो, ठीक है। वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस भी एक कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम है। वेट लॉस जो ओल्डर एडल्ट्स है उनका धीरे धीरे वेट कम होने लग जाता है, ठीक है। क्या होता है, उनकी लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि उनको भूख भी कम लगने लगती है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, और धीरे धीरे जो उनकी सेंसेशन होती है, सेंस ऑफ टेस्ट होता है, वो भी उनका धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। इसकी वजह से वो कम खाना खाते हैं और वेट लॉस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब वेट लॉस अगर डेवलप होता है तो वेट लॉस का कोज एक हो सकता है जिसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम्स, अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स बॉडी में डेवलप हो सकती है, जैसे हमने बात की फॉल्स की, ठीक है। तो अगर वेट लॉस बॉडी में धीरे धीरे वेट लॉस होने लगेगा जिसकी वजह से प्रॉपरली जो एनर्जी है बॉडी में वो नहीं आ पाएगी और पर्सन कहीं भी चलते फिरते गिर सकता है, ओल्ड एज पर्सन। बोन डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, वीकनेस आ सकती है बॉडी में, इससे भी आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन, अलग अलग टाइप्स के कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। तो वेट लॉस की वजह से भी काफ़ी जो जेरियाट्रिक जो प्रॉब्लम्स है वो डेवलप हो सकती है। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन डेवलप हो रही है तो जो डाइट होती है अकॉर्डिंग टू द एज वो दी जानी चाहिए ओल्ड एज पर्सन को, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइड जो प्रोफेशनल होता है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन अबाउट द जेरियाटिक सिंड्रोम्स एंड जेरियाटिक प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। कुछ कॉमन जेरियाट्रिक सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।